एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, मेरी बहन ससुराल से आ चुकी है और सुहागले होने जा रही है। जब लड़की पहली बार आती है तो सुहागले और कथा वगैरह होती है ना घर पे, तो वही होने जा रही है, तो रेडी हो रही है उसके लिए। तो बस रेडी हो जाएगी, उसके बाद मैं भी रेडी होंगी। मुझे बड़बड़ाती भी जा रही है, खुद रेडी हो रही है। तो बस ये देखिए आप लोग, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। देखिए बस हम लोग आ चुके हैं और रंग लगा रहे हैं। सुहागन का श्रृंगार होता है, तो रंग के बगैर तो कोई पूजा पाठ होता ही नहीं है। तो सब लोग रंग लगा रहे हैं पैर में, इसके बाद फिर शुरू होगी पूजा। और फ्रेंड्स, मुझे ना दूसरी साड़ी पहननी थी, बट मेरी साड़ी का ब्लाउज मेरे घर पर ही रह गया, तो मैं दीदी की साड़ी पहनी हुई हूँ, सिंपल सी। वैसे मुझे सुहागले के हिसाब से ऑरेंज कलर की साड़ी पहननी थी, बट नहीं पहनी। चलिए रंग लगा लेते हैं, उसके बाद आगे की पूजा शुरू होगी। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। और ये देखिए, मेरी भांजी वीडियो बना रही थी, तो ये देखिए छोटी बहन को दिखा रही है कैसे, कितनी प्यारी लग रही है ना, किसी की नज़र ना लगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पे बने रहिएगा आप लोग भी। और किसके किसके यहाँ होती है ये सुहागले, बताइएगा कमेंट करके। रंग लग चुका है पैरों में। और देखिए अब ना ये जो खिलाया जाता है लड्डू है, और गुड़ चना जरूर होता है हमारे यहाँ। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से सुहागले खिलाई जाती है, तो हमारे यहाँ गुड़ चना जरूर होता है सुहागले में, और लड्डू खिलाए जाते हैं बेसन के। तो लड्डू है और ये पॉलीथिन में सवा सवा पाव दिया जाता है खाने के लिए एक एक सुहागन को। तो वही सबकी गोद में डाली है पहले सोनम मेरी छोटी बहन, और उसके बाद हम सब लोग ना उसको निकाल के थोड़ा थोड़ा सा देंगे। पहले वो खाएगी वही, और उसके बाद फिर अपनी गोद का रखा हुआ खाएगी। तो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए बने रहिएगा आप लोग। और सबके यहाँ अलग अलग तरीका होता है सुहागले खिलाने का। किसी के यहाँ पूरा खाना खिलाया जाता है, और किसी के यहाँ कहीं कहीं लाई चने बस खिलाए जाते हैं, बट हमारे यहाँ लड्डू ही खिलाया जाता है सुहागलों में। तो लड्डू है इसमें, गुड़ चना मिलाकर सवा पाव है, लगभग नहीं है ही सवा पाव। तो वही खिलाया जा रहा है, और कहानी सुनाई जाती है। तो किसी को कहानी नहीं आ रही थी, तो मैं मोबाइल में देख रही थी कहानी, तो मोबाइल में निकाल के सुनी। इतनी लंबी लंबी कहानी थी। वैसे तो हम लोग जब मुँह से बोलते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी स्टोरी रहती है, बट मोबाइल में ना बहुत लंबी स्टोरी थी। एक स्टोरी ही थी 15 मिनट की, शायद 12:30 या 15 मिनट से लगभग थी। फिर एक स्टोरी, दो स्टोरी सुनी हम लोगों ने। और देखिए सब लोग गोद में लेके स्टोरी सुन रहे हैं, इसके बाद खाएंगे और फिर श्रृंगार लेंगे। बस यही पूजा होती है। कहानी सुन चुके हैं हम लोग, और अब खा रहे हैं। बस खाने के बाद श्रृंगार लेंगे और बस फिर पूजा कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए श्रृंगार ले रहे हैं सब लोग। तो सोनम ले रही है सबसे पहले, हम सब भी लेंगे सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, काजल, मिश्री, और सब कुछ चढ़ता है और पान जरूर चढ़ाया जाता है। तो सब लोग श्रृंगार ले रहे हैं। देखो मैं भी ले रही हूँ, सिंदूर ले रही हूँ मैं गौर माता से। तो फ्रेंड्स, मेरी ना कई दिनों से तबीयत खराब है, बुखार आ रहा था कई दिनों से, और इसलिए मेरा ये वीडियो लेट भी हो गया है। बुखार अभी कुछ ठीक है, बट जुकाम हो गया है मुझे बहुत ज़्यादा, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ। तो मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब आ रही होगी, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। देखिए नेल पॉलिश भी लगा रही हूँ मैं, लगाई भी नहीं थी जल्दबाजी में, तो लगाने बैठ गई थी, और श्रृंगार में भी लेना था। तो
बस सब लोग अब पैर छू लेंगे और आशीर्वाद लेंगे और सान माता से कि सबके सुहाग 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 की लंबी उम्र हो। यह सान माता मेरे सुहाग की लंबी उम्र रखें और सबके सुहाग की लंबी उम्र रखें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा है सब पर अपनी कृपा बनाए सान माता। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो न्यू है मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे शेयर कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, से मेरी बहन ससुराल से आ गई थी और सुहागले हुई है आज हमारे यहाँ। देखिए ये रेडी थी, इसका फूल लुक दिखाती हूँ मैं भी। और हम लोग सुहागले खा चुके हैं, कपड़े बदलने जा रहे हैं, तो मैंने कहा पहले आप लोगों को वेलकम कर लेते हैं। देखिए मुझे ना सुहागले वाले दिन ही जुकाम बुखार था, उसी दिन से मेरी तबीयत बिगड़ी हुई है, इसलिए मेरा फेस इतना उतरा हुआ है। और फिर देखिए ये मेरी बहन शादी के बाद पहली बार घर पर इस तरह रेडी हुई है, कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा।